जबलपुर के रानीताल स्टेडियम में 12 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। खेल महोत्सव के चौथे दिन आज बबीता फोगाट ने शिरकत किया। खेल में शामिल हुए युवाओं से मुलाकात की, साथ ही बच्चों के साथ पारंपरिक खेलों को भी खेला। इस दौरान बबीता फोगाट ने कहा कि आजकल डिजिटल जमाने में खेल मोबाइल तक सीमित हो गया है। बच्चों के माता पिता को मोबाइल छीनकर अपने बच्चों को खेल ग्राउंड तक लाना होगा ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, मानसिक संतुलन बना रहे, क्योंकि अच्छी शिक्षा के लिए भी एक स्वस्थ शरीर का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अधिकता किसी भी वस्तु की अच्छी नहीं होती है। सभी बच्चों के अभिभावकों से अनुरोध करते हुए कहा कि मोबाइल के अंदर गेम ना खेलकर उन्हें मैदान में लेकर आएं ताकि वह स्वस्थ रहें और उन्हें जीवन जीना सिखाइए। मोबाइल के अंदर हम लोगों ने अपना जीवन समेट दिया है, वह जिंदगी नहीं है, मोबाइल जीवन नहीं है, यह समझने की जरूरत है। मोबाइल संचार का माध्यम जरूर है लेकिन जीवन नहीं। उन्होंने कहा हम लोगों ने बचपन में गिल्ली डंडा, कंचा, रस्सी कूद खेला है, यह सब गेम कितना भी जीवन में टेंशन हो खेल ग्राउंड में आ जाइए, इतनी खुशी मिलेगी कि सभी टेंशन खत्म हो जाएगी। अगर किसी की भी लाइफ में, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे आत्महत्या बहुत कर रहे हैं, खुदकुशी बहुत कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को असली जीवन का महत्व ही नहीं पता। माँ बाप को भी ये समझाने की जरूरत है कि जीवन जो है वो हमेशा खुशनुमा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप ओलंपिक मेडलिस्ट बनने के लिए खेले, एक बूढ़ा बुजुर्ग भी खेल सकता है, एक नौजवान भी खेल सकता है, उसकी एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि जब स्वस्थ शरीर होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, चाहे कुछ भी करें लेकिन खेलें जरूर। खेल को खेलना है सिर्फ खेलने के लिए, बाकी अगर किसी का लक्ष्य है, टारगेट है, तो वो भी अपना गेम को कंटिन्यू कर सकता, आगे बढ़ सकता है और टेंशन फ्री लाइफ अपनी रख सकता है।